Hello everyone, my name is Deepa Bhardwaj and I'm SG1 at Nagaro and I'm 3-star on lead code and I'm 3-star on code same. So today we are going to solve the questions of lead code POD 13th of September, okay? And in this video we will talk about the trick of this questions, and it's a very famous question of the lead code. So as we log lead code ka 13th September question solve karne ja rahe hain, jo ki agar if you talk about the question level, so it is a medium level questions. So not medium, it's a hard level question, but I will call it easy level. Agar aap is video ka end tak dekhte hain to ye aapke liye easy level question ban jayega, theek hai? But although it's mentioned there hard level question, but it is not like, okay? And we will talk about the agenda of this video today. ओके तो एजेंडा क्या है कि हम लोग पहले को अप्रोच एंड आइडिया देखेंगे कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं, इसका आइडिया क्या हो सकता है, ठीक है? और दिन हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसका जो हम लोग कोड लिखे हैं उसका टाइम है कितना, भाई टाइम तो बता दो, राइट? एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे ट्रिक में, क्या होगा ब्रूट फोर्स टू ऑप्टिमाइज हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? अगर हम लोग टाइम मिला तो हम लोग इसको ऑप्टिमाइज भी करेंगे, फिर भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस कोड को कर कैसे पाते हैं, राइट, कंप्लीट, है ना? और इस क्वेश्चन को फ्रीक्वेंटली पूछा जा चुका है फैंग एंड योर मैंग कंपनी. मैंग ऑलरेडी आई टोल्ड मेनी टाइम्स, आपका मैंग जो स्टैंड करता है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट या आप मेटा बोलिए, जो कि आपका फेसबुक का हो गया, और जो आपका फेसबुक है, और अमेजोन, एटलासियन, नेटफ्लिक्स, गूगल, ओके गूगल, एंड ऑल्सो वी कैन कॉल इट सीबीसी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज, राइट? एंड इट क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड इन इंटरव्यू, या यू हैड, राइट? आपका भी इंटरव्यू में क्वेश्चन को रिपीट किया जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए एंड पूरा अच्छे से अप्रोच करके, तो ये वीडियो को एंड देखिए, आपका डाउट एंड आप ये क्वेश्चन खुद से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है? सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, ओके? सी, तो ये क्वेश्चन आप हम लोग क्वेश्चन रीड कर जाए तो ये आपका कैंडी क्वेश्चन है जो कि आपका लिस्ट पे मिल जाएगा, और इस क्वेश्चन का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? और इफ यू फील फ्री टू आस्क एनी क्वेरी इन कमेंट सेक्शन, राइट? ओके, एंड क्वेश्चन क्या है कि दे आर एन चिल्ड्रेन, ओके, एंड इन लाइन अंडरस्टैंडिंग इन लाइन ईच चाइल्ड इज असाइंड ए रेटिंग वैल्यू गिवन इंटीजर एरर रेटिंग. तो ये क्या बोला कि हम लोग पास एन चाइल्ड है, ठीक है? हम लोग पास एन चाइल्ड है, ओके, वी हैव एन, आई कैन कॉल इट दैट वी हैव एन चाइल्ड, ठीक है? और ये जो चाइल्ड है एक लाइन में स्टैंडिंग है, जैसे एक लाइन है यहाँ पर चाइल्ड, जैसे ये चाइल्ड ये हो गया, ये चाइल्ड ऐसे हो गया, ऐसे एंड ऐसे, ये सब क्या है, लाइन में स्टैंडिंग है, मतलब खड़े हैं, ठीक है? और हर एक चाइल्ड को क्या है, एक रेटिंग असाइन किया जा रहा है, हर एक चाइल्ड क्या है, एक हर एक चाइल्ड को क्या जा रहा है कि रेटिंग असाइन है, रेटिंग, ठीक है? इसका मतलब दो रेटिंग है, इसका जीरो रेटिंग, इसका वन, इसका फाइव है, अनलाइक दिस रेटिंग ऐसे साइन है, ठीक है? ओके, नाउ अब क्या बोल रहा है कि यू आर गिवन कैंडिडेट टू दूस दीज चिल्ड्रेन सब्जेक्ट टू फ्लोइंग रिक्वायरमेंट. अब देखो इस क्वेश्चन, अब इस लाइन का मतलब क्या हो रहा है कि हर एक चाइल्ड को कैंडीज प्रोवाइड करना, मतलब देना है, तब देना है, तो यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है, उसको हमको फुलफिल करना है. पहला, ईच चाइल्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन कैंडी, मतलब मेरे पास अगर पांच चाइल्ड है तो हर एक चाइल्ड को एटलीस्ट एक कैंडी तो मिलना ही चाहिए, एक कैंडी तो मिलना ही चाहिए, राइट? और सेकंड में क्या है कि चिल्ड्रन विद हायर रेटिंग गेट मोर कैंडीज देन द That their neighbors. क्या मतलब क्या हुआ कि सपोज आपके पास दो चिल्ड्रेन है, अगर आपके पास एन टू है या थ्री है, राइट? तो आपके पास तीन चिल्ड्रेन है. अगर मैं बात करूं तो जैसे कि अगर तीन चिल्ड्रेन है ना, कि एक को ए हो गया और एक ए हो गया और एक यहाँ पर मेरा ये हो गया, राइट? तो अगर इसका रेटिंग, अगर मान लो कि इसका रेटिंग जीरो हो, इसका वन, इसका थ्री, राइट? तो क्या होगा, पहले तो हर एक चाइल्ड एक रेटिंग तो लेगा ही लेगा, सॉरी एक कैंडिडेट तो लेगा एटलीस्ट, राइट? एक कैंडिडेट तो लेगा एटलीस्ट, राइट? नाउ जिसका जिसका रेटिंग हाइयर है, नेबर्स है, जैसे यहाँ पर देखिए इसका वन, इसका थ्री है, तो इसका क्या होगा कि एक एम इसको मोर मोर कैंडिडेट मिल सकता है. अगर इसको, अगर इसका वन है तो इसको दो हो सकता है, इसका मतलब ये था, राइट? अगर ये पहला चाइल्ड जिसका था, इसका रेटिंग जीरो था और सेकंड का रेटिंग वन था, तो नेबर का वन है, इसका प्रीवियस से बड़ा है, तो अगर इसका वन, इसका दो हो सकता है, मतलब दो. अगर मैं बात करूं तो जो कैंडिडेट प्रोवाइड किया जाएगा वो जीरो नोट, वन एंड टू का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, किसी को वन, किसी को दो, किसी वन, किसी को दो, ये रेटिंग पे डिपेंडिंग ओपन, वन तो सबको मिलेगा एटलीस्ट, ठीक है? और अगर इसका रेटिंग ज्यादा हो तो उसको मैक्सिमम एटलीस्ट टू मिल सकता है, तो ये वन एंड टू का ही कॉम्बिनेशन चलने वाला हम लोग का है. तो ये क्वेश्चन का मीनिंग था. अब क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि सिंपल डिस्कस हम लोग दिया जा रहा है, ठीक है? यहाँ पर सिंपल डिस्कस, अब हम लोग सिंपल डिस्कस समझते हैं एग्जाम्पल को अच्छे से, ठीक है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एग्जाम्पल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर पहला लेते हैं, पहला एग्जाम्पल. तो पहले एग्जाम्पल में देखिए तो हम लोग का एक रेटिंग यार दिया रहा है, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन था, राइट? यू कैन सी हियर रेट दैट रिटन, यू कैन सी इंटीजर है ना, इंटीजर एरे जो कि एक रेटिंग एरे है, राइट? और उसमें वो चिल्ड्रन, उस चाइल्ड का रेटिंग दिया जाएगा. अगर मैं फिर से एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है? तो आपका एक यहाँ पर क्या है, रेटिंग एरे क्या है,
रेटिंग आ रहे हैं, लाइक जिससे क्या है, जो कि जिसमें क्या है 1, 0 एंड 2। अब देखिए आपका जो रेटिंग आ रहे हैं, जो उसका साइज होगा उतना ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मीन्स स्टूडेंट या चिल्ड्रन बोल सकते हैं हम लोग, तो उतना ही चिल्ड्रन है। जिसका साइज कितना है 1 to 3, जिसका साइज हो गया 3, ठीक है। तो वी आर हैविंग 3 चिल्ड्रन राइट नाउ, है ना, 3 चिल्ड्रन राइट। तो अगर ये क्या एक नंबर लाइन पर, एक यहाँ पर है और एक हम लोग यहाँ पर है और एक हम लोग का यहाँ पर, राइट, चिल्ड्रन यहाँ पर, राइट। अब देखो रेटिंग क्या, एक का रेटिंग 1 है, एक का रेटिंग 0, एक का रेटिंग 2 है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं यह गिवन है, राइट। तो इसका हो गया आपका 1, इसका हो गया 0, इसका हो गया आपका 2, फाइन। अब देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन क्या था कि हम लोग इसको कैंडीज, हम लोग क्या आ रहा है कि हम लोग को कैंडीज को प्रोवाइड करना है, तो देना है हर एक चिल्ड्रन को, तो कितना एंड कैसे। बट हम लोग यहाँ पे एक चीज मेंशन है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिटर्न रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ कैंडीज यू नीड टू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द कैंडीज टू द चिल्ड्रन। मतलब हम लोग मिनिमम कैंडीज को रिटर्न करना है जो हम लोग चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मिनिमम कैंडीज। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में मुक करते हैं, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल तो अब देखते हैं, अगर हम लोग पहला जो चिल्ड्रन है, अगर हम इसको 1 कैंडी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इसका 1 कैंडी प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे तो इसके कम रेटिंग का, जिसको दूसरा जो चाइल्ड है, दूसरा जो चिल्ड्रन है, उसका रेटिंग कम है, जो कि 0 है, पहला का 1 था। तो अब इसको भी 1, इसको 1, तो होने के नेबर को ज्यादा देना है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, जो लाइन नंबर यहाँ पर 2 दिया है, चिल्ड्रन विद हाइयर रेटिंग गेट मोर कैंडी देन देयर नेबर्स, राइट। तो हाइयर, अगर इसको हम लोग 1 देते हैं तो इसको 2 देना पड़ेगा, सिंपल। तो इसको 2 दे दिए, इसको 1 दे दिए, राइट। आप देखिए इसका रेटिंग क्या है, हाईएस्ट है, इसका इससे हाईएस्ट है, इसका सेकंड जो मिडिल में जो चिल्ड्रन है उसका तो 0, इसका 2 रेटिंग है तो हाइयर है, तो ऑब्वियसली इसका भी 1 नहीं होगा, इसका भी क्या 2 होगा। हम बोल चुके हैं ऑलरेडी कि यहाँ पर जो कंपेनेशन जो देंगे, जो कैंडी जो देंगे स्टूडेंट को, वो 1 एंड 2 का ही कॉम्बिनेशन चलने वाला है, 1 एंड 2 का। तो इसका 1, इसका 2 दे देंगे, सिंपल। तो आप देख सकते हैं इसको हमने 2 दिए, इसको 1 दिए, इसको 2 दिए, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना प्रोवाइड किए, कितना एलोकेट किए अमॉन्ग द स्टूडेंट, तो 2, 1 एंड 2, तो 2 + 1, 3, राइट, एंड +2, 5। तो हम देख सकते हैं कितना है 5, तो यहाँ पर देख सकते हैं आंसर कितना है 5, सिंपल, फाइन। आई होप कि फर्स्ट एग्जाम्पल से आपका थोड़ा डाउट क्लियर हो ही चुका हो, अगर ना हुआ हो तो सेकंड एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। अब हम इसको देखते हैं, राइट। तो अगर इसका हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, एरेस को यहाँ पर हम लोग डिजाइन कर लेते हैं, है ना, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाए। और नाउ सी हियर, ओके, तो जो सेकंड एग्जाम्पल था 1 एंड 2 एंड 2, राइट। अब यहाँ पे समझने वाला कंफ्लिक्ट, यहाँ पर अगर यहाँ पे हम लोग अभी भी कितना एन कितना 3, क्योंकि साइज ऑफ रेटिंग कितना 3 है, तो 3 स्टूडेंट हम लोग को अभी है, राइट। अब देखते हैं, तो अभी नंबर लाइन पे ये गया और ये गया और ये गया, तो मतलब 3 स्टूडेंट है सबका, एक का रेटिंग कितना 1, एक का 2, एक का 2 है, राइट। अब देखते हैं हम लोग इस यहाँ पर कि अगर हम इसका बात करें और इसका बात करें, तो किसका रेटिंग ज्यादा है बताओ, तो मीडियम का रेटिंग ज्यादा है फर्स्ट वाला रेटिंग से, तो ऑब्वियसली इसका तो 1 होगा। अगर इसका 1 होगा तो आप इसका अगर आप 1 देते हैं तो इसका कितना कर सकते हैं भाई, तो अगर आप इसको 2 देते हैं, बट हम लोग इस यहाँ पर ध्यान रखना मिनिमम कैंडिडेट हम लोग को रिटर्न करना है, तो अगर इसका 2 देते हैं तो ए भी रेटिंग क्या दोनों सेम है, तो इसका 2 तो भी 5 हो जाएगा। तो अगर 2 का रेटिंग ऑलमोस्ट सेम है, अगर 2 का रेटिंग सेम है तो आप कितना दे सकते हैं, कैन यू थिंक अबाउट इट, कितना। तो अगर आप इसको 1 दे सकते हैं, अगर इसको आप 2 दिए, ठीक है, तो दोनों का सेम ही रेटिंग का है, तो आप इसको 1 प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि मिनिमम मुझे रिटर्न करना है। तो अगर इसका इसका अगर 1 देते हैं पहला का, तो अगर मिडिल का रेटिंग ज्यादा है पहला से, तो ऑब्वियसली क्या होगा यहाँ पर कि इसका रेटिंग जो होगा 2 हो सकता है, क्योंकि 1 देना होगा नहीं, रेटिंग ज्यादा है तो 2 दे दिए। अब दोनों का रेटिंग सेम है, इसका भी 2, इसका भी 2 है, तो अब मुझे मिनिमम कंप्लीट तो होगा नहीं यहाँ, क्योंकि दोनों इसका रेटिंग तो छोटा नहीं, अगर इसका 0 होता तो 1 दे देते, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है, तो दोनों का रेटिंग सेम है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर इसका 1 प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है 1। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अगर मैं काउंट काउंट करूँ तो इसका पहला क्रिएटिंग 1 हो गया, मिडिल का उसका 2 हो गया, एंड लास्ट का 1 हो गया, तो टोटल 4 हो गया। मैं यहाँ पर 2 क्यों दिया हूँ, क्यों, क्योंकि दोनों का रेटिंग सेम है ना, कंप्लीट क्यों, कंप्लीट तो होगा नहीं यहाँ पर, राइट। तो अब मुझे मिनिमम रिटर्न करना है, तो मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, 1 दे रहा हूँ। यहाँ पर चलिए जो फंडामेंटल जो थिंग्स है ना, यहाँ पर हम लोग ग्रीडी अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग का थोड़ा थोड़ा डाउट क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ हम लोग जो है ना ग्रीडी अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं। ग्रीडी मीन्स क्या होता है, यहाँ पर हम लोग अपना बेस्ट आंसर फाइंड करते हैं, एंड दैट्स इट, वो अपना फोकस करते हैं आंसर पे बेसिकली। तो हमने यहाँ पर ये देख लिया, राइट, फाइन। तो यहाँ पर हम लोग आंसर आ गया 4, सिंपल है, ग्रीडी अप्लाई कर रहा हूँ, सिंपल। अगर यहाँ मान लो कि अगर 4 यहाँ पर 2 एक एक चिल्ड्रन होता, सपोज यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर बात करें तो यहाँ पर मैं 2 चिल्ड्रन अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है, जिसका रेटिंग सेम था। अगर इसका 2 होता दोनों को 1 अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि रेटिंग सेम है ना, तो कंफ्लिक्ट होगा नहीं, तो इसका आंसर कितना होता है 1 एंड 2, राइट, एंड 3 एंड 1 एंड 4 एंड 5, तो यहाँ होता आंसर 5, सिंपल, कंफ्लिक्ट नहीं करने वाला है, फाइन, ओके। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल के तो समझ चुके हैं। आई होप एग्जाम्पल से आप लोगों का डाउट जो हो एटलीस्ट क्लियर हो ही नहीं हो ना, कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या था, क्वेश्चन का मतलब क्या था, है ना। इसका जो कंबिनेशन जो होगा ना, जो कैंडी जो एलोकेट किया जाएगा अमॉन्ग द स्टूडेंट, वो 1 एंड 2 को, जिसका रेटिंग हाई होगा उसको 2 जगह प्रीवियस है, और अगर रेटिंग सेम है तो सेम प्रोवाइड कर देते हैं, या तो कंप्लीट उसको मिनिमम कैंडी प्रोवाइड करेंगे, जो कि अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर सेकंड देख रहे हैं, राइट।
और जो फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं कि जैसे कि वन एंड जीरो, इसका रेटिंग अगर मीटर रेटिंग जीरो था तो उसको हम लोग वन दिए, इसका हाईएस्ट था मीटर से तो उसको दो दे दिए, लास्ट का भी हाईएस्ट था मीटर से तो उसको भी दो दे दिए, तो दो दो चार एक पांच हो गया था, आंसर पांच था, सिंपल राइट। तो हम लोग यहाँ अप्लाई कर क्या रहे हैं, ग्रीडी अप्रोच, ग्रीडी सोच रहे हैं, ग्रीडी सोच रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रीडी राइट। ओके, अब हम यहाँ पर कंस्ट्रेंट दे रहा है, ये जो आपका रेटिंग का साइज है ठीक है, और ये आपका जो आपको कितना दो 10 से 5 4 मतलब पॉइंट होना जा सकता है, एंड रेटिंग का जो वैल्यू होगा, जो रेटिंग का जो इनका साइज होना जा सकता है, जो रेटिंग का वैल्यू इतना जा सकता है ठीक है सिंपल। और हम लोग कोड अप्रोच समझते ठीक है, हम लोग तो सोच लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, जो हम लोग सोच रहे हैं वहां पर क्या, ये यहाँ पर लगा रहे हैं लोग ग्रीडी अप्रोच, क्या है ग्रीडी अप्रोच, ग्रीडी अप्रोच ठीक है, सिंपल ग्रीडी अप्रोच, सिंपल सिंपल ग्रीडी अप्रोच, नथिंग। ओके ओके, पहले एग्जाम्पल हम लोग क्या था कि वन था यहाँ पर, यहाँ पर जीरो था, यहाँ पर हम लोग का टू था राइट, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना, ग्रीडी मींस क्या, हम लोग बस बेस्ट फाइंड करना है, हम लोग का आंसर लेना है, जिसका जिसका कम आगे देखे, इसका कितना था जीरो था इसको वन दे दिए, इसका रेटिंग ज्यादा था इसको दो दे दिए, इसका इसका जिससे ज्यादा था इसको दो दे दिए, क्योंकि इससे इसका ज्यादा है ना तो दो दे दिए, क्योंकि वहां पर मेंशन था राइट, और इसका रेटिंग इससे ज्यादा है, इसका रेटिंग इससे ज्यादा, इसका रेटिंग इससे दो दिए, इसको वन दे दिए, तो दो दो चार पांच हो गया सिंपल। अब देखो पांच, अब हम कैसे आंसर फाइव गेट कर, आंसर जो हम लोग यहाँ पर आया वो कितना है फाइव राइट, फाइव गेट करना, तो सिंपल क्या करेंगे ना, जब हम लोग यहाँ पर एक ट्रेवर्सल लगाएंगे लेफ्ट के लिए और एक लगाएंगे राइट के लिए, सिंपल ग्रीडी अप्लाई कर रहे हैं ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ठीक है, अब जिसका जब अगर हमको नेक्स्ट जो अगर वो ज्यादा है प्रीवियस से, तो उसमें हम वैल्यू दो साइन कर दे रहे हैं ठीक है सिंपल। और जब हम लोग राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो जिसका, अब जब राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो जिसका वैल्यू प्रीवियस का वैल्यू अगर नेक्स्ट का वैल्यू अगर प्रीवियस से ज्यादा है तो उसमें भी हम लोग वैल्यू उसका इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं, तो ये इसका हम लोग दो ट्रैवर्स अप्लाई करने जा रहे हैं, एक लेफ्ट टू राइट एक राइट टू लेफ्ट सिंपल। ओके तो अगर आप यहाँ देख सके कोड में, अगर हम दिखाने की बात करूँ तो यहाँ पर जो मेरा एनसी है ना, एनसी इन नंबर ऑफ चिल्ड्रन बात कर रहा हूँ ठीक है, एनसी मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अगर मैं एग्जाम्पल में फर्स्ट से बात करूँ इसका, तो एन कितना हो गया थ्री राइट, जिसमें मेरा तीन चिल्ड्रन था, रेटिंग वन जीरो एंड टू था। ओके अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैं दो वेक्टर एरे ले रहा हूँ, एक लेफ्ट एरे एक राइट एरे ठीक है, और इसमें मैं वन साइन क्यों कर रहा हूँ कि अगर आप देखें, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ लिखा हुआ सिंपल क्लियरली, यहाँ पर लिखा, यहाँ पर क्लियरली लिखा जा रहा है ठीक है, क्या लिखा जा रहा है बताइए कि ईच चिल्ड्रेन मस्ट हैव एटलीस्ट वन कैंडी, तो हर एक चिल्ड्रेन को एक कैंडी तो मिलना ही मिलना है राइट, तो उस केस में क्या करना है हम यहाँ पर, जो अगर आप देखें यहाँ पर अच्छे से देखें, तो हम यहाँ पर वन साइन किया दोनों में राइट, कि मैं सब में जितना भी चिल्ड्रन था तीन था, तीनों को मैं पहले इनिशियली वन वन दे दिया हूँ, लेफ्ट जब मैं लेफ्ट राइट जा रहा हूँ और जब मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, तो वन वन मैंने साइन कर दिया दोनों में राइट। ओके अब क्या करो कि अब यहाँ देखिए, अब ये चीज पहले अच्छे समझना है, अब पहला क्या मैं फर्स्ट ट्रेवर्सल लेफ्ट टू राइट, मैं लिख सकता हूँ पहला ट्रेवर्स क्या लेफ्ट टू राइट राइट, अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर लेफ्ट टू राइट, अगर मैं ई आ रहे जीरो सॉरी नॉट जीरो लाइक व्हाट फर्स्ट एग्जाम्पल, तो हम लोग का फर्स्ट एग्जाम्पल था वो था वन कॉमा जीरो कॉमा टू राइट, मतलब अगर मैं इसको एरे में डिनोट कर लेता हूँ तो ऐसे है ना कि वन कॉमा जीरो एंड कॉमा टू राइट, अब देखते हैं तो अगर यहाँ देखे जीरो इंडेक्स वन एंड टू राइट, यहाँ पर मेरा जो एन सी वो कितना है मेरा थ्री है राइट, तो अगर मैं इसमें ट्रेवल्स करने जा रहा हूँ, तो अब देखिए जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, तो जब भी मेरा नेक्स्ट अगर का रेटिंग बना हो प्रीवियस से, तो उस केस में दो में साइन मतलब दो चलिए दो नहीं, मैं उसका वैल्यू का इंक्रीमेंट कर दूंगा, और आपको ऑलरेडी पता है कि जो कैंडी जो एलोकेट होगा वो वन एंड टू का ही कम्बिनेशन होगा, ज्यादा नहीं हो सकता है, कुछ भी जो मिनिमम नंबर कैंडी रिटर्न करना है राइट, आफ्टर एलोकेटिंग अमॉन्ग द एसेट्स, आप देखते हैं तो यहाँ पर वन है और यहाँ पर ये जीरो है ठीक है, तो अगर आप जा रहे हैं यहाँ पर, तो अभी इसके अंदर देखिए, तो यहाँ इसका अगर मैं इफ कंडीशन यहाँ पर चेक करूँ, तो यहाँ इसका जीरो इसका वन है, तो ये केस ट्रू नहीं हुआ ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अब यहाँ पर मैं देखो कि अब देखिए जीरो कॉम ग्रेटर देन टू, अभी कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो मेरा इफ कंडीशन एक बार यहाँ पर एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट हुआ है इस एग्जाम्पल्स में राइट, एग्जाम्पल में फर्स्ट था, उस केस में मैंने क्या करा कि ऑलरेडी मेरा वन इसमें था ठीक है, बस सिंपल देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँ कि लैपटॉप आई प्लस वन, लैपटॉप आई प्लस वन में इसमें वैल्यू जैसे पहले इनिशियली मेरा ये लेफ्ट एरे जो था उस सब में वैल्यू वन वन था राइट, ये मेरा लेफ्ट एरे है राइट, इनिशियली से सब वैल्यू वन वन था, जब मैं यहाँ पर आया हूँ तब तो देखो कि मेरा जो जब ये रेटिंग है मेरा मैच कर रहा हूँ, तो सेकंड जो लास्ट इंडेक्स जो लास्ट चिल्ड्रन था उसका रेटिंग ज्यादा था प्रीवियस वन से, तो उस केस में मैं क्या करूँ इसका वैल्यू वन से बढ़ाकर मैं बस प्लस वन करता हूँ, वहां पर मैं प्लस टू कर दे रहा हूँ, मतलब अभी जो मेरा बॉक्स में जो वैल्यू यहाँ पर है वो टू जा रहा है, कितना है यहाँ पर टू है, तो अगर मैं फिर से बात करूँ यहाँ पर अच्छे से यहाँ पे बताऊँ इस राइट साइड में देखिए यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं एक बार ठीक है, तो अभी देखिए अभी मेरा ये क्या लेफ्ट एरे ठीक है, ये क्या मेरा लेफ्ट एरे, अभी इनिशियली वैल्यू इसमें कितना था, इनिशियल में जो वैल्यू मेरा सामने था वो वन वन था, ये मेरा क्या है ये मेरा लेफ्ट एरे वन वन था ठीक है, यहाँ वन यहाँ पर वन, जब लास्ट में जब मेरा देखिए जब मेरा रेटिंग जब इसका पड़ा था इस प्रीवियस से, तो उस केस में मेरा इसका वैल्यू हो गया टू, क्योंकि देखिए
क्योंकि मेरा जो था रेटिंग जो था स्टूडेंट का वो कितना था, 1 था एंड 0 था, यहाँ पर 2 2 था राइट। अब देखिए, तो अब जब इसका रेटिंग जब इससे बढ़ा है तो ऑब्वियसली इसका पहले पहले सबसे पहले 1 दे दिए, इसका रेटिंग बढ़ा है इससे, तो इसका वैल्यू इसका तो जो कैंडिडेट सेम तो नहीं होगा, इसमें एक इससे बढ़ा होगा, तो यहाँ पर हमें एक प्लस और यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया हूँ और यहाँ पे मैं 2 साइन कर दिया हूँ सिंपल, जब मैं लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर किया हूँ राइट। ओके आई होप कि यहाँ पे आपको डाउट क्लियर हो चुका होगा, ना हो तो फिर से आप वीडियो को पॉज करें और सोचें, यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा ठीक है। ओके अब हम लोग समझते हैं अब सेकंड टेबल जो कि मेरा क्या है, राइट टू लेफ्ट, क्या है राइट टू लेफ्ट, अब सेकंड टेबल क्या है राइट टू लेफ्ट, अब हम लोग राइट टू लेफ्ट यहाँ पर कर लेते हैं ठीक है, वो भी आपको अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। नाउ फाइन ओके, तो पहला जो मेरा यहाँ पर था एरे में जो मेरा जो मैं लेफ्ट एरे जो बनाया सब में पहले यहाँ पर 1 साइन कर दिया हूँ, जो कि मेरे यहाँ पर क्या है राइट आर करता हूँ, आर मतलब राइट एरे ठीक है। ओके फाइन अब देखते हैं, अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि अब जो मैं राइट टू अभी मेरा यहाँ पर ये भी ले रहा हूँ रेटिंग एरे ठीक है, जो कि मेरा 1 0 यहाँ पर मेरा 2 था राइट। अगर मैं यहाँ पर देखो ट्रेवर्स कर रहा हूँ राइट टू लेफ्ट ठीक है, राइट टू लेफ्ट, तो जब भी मेरा नेक्स्ट टाइम अगर रेटिंग बड़ा होता है प्रीवियस से तो उसमें वैल्यू में इंक्रीमेंट करूंगा बाई 1 से ठीक है। तो अब मैं यहाँ देख लेता हूँ, ये मेरा यहाँ पर लेफ्ट एरे राइट एरे है, राइट एरे है ठीक है। तो अभी देखते हैं अगर मैं यहाँ पर ट्रेवर्स करता हूँ तो यहाँ पर ये 0 और यहाँ पर 2 है, तो ये जो कंडीशन देख रहे हैं यहाँ पर ये जो कंडीशन यहाँ पर है ये एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो अभी भी यहाँ पर ये 1 था ठीक है, और यहाँ पर जो भी यहाँ पर 1 था राइट। अब जब मैं इसको फिर से ट्रेवर्स कर रहा हूँ तो ये जब देखो कि 0 छोटा है 1 से, तो जो मेरा फर्स्ट चिल्ड्रन था उसका रेटिंग 1 था, मिडिल में 0 था, तो उस केस में जब मैं राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स कर रहा हूँ तो 1 का जो फर्स्ट चिल्ड्रन था उसका रेटिंग ज्यादा था, तो उस केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं अपना वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ 1 से, तो अब यहाँ पर इसका 1 ना होकर यहाँ पर हो जाएगा 2, क्या हो गया यहाँ पर मेरा 2 फाइन, यहाँ पे हो गया 2। तो अब हम लोग क्या किया कि जब हमें लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स किया तो जिसका भी रेटिंग ज्यादा था उसका वैल्यू इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब कैंडी मोर प्रोवाइड कर दिया नेक्स्ट नेबर से सिंपल। आई होप कि यहाँ तक आपको डाउट नहीं होगा, अगर हो रहा हो तो वीडियो को पॉज करें सोचे इस पर क्लियर हो जाएगा ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। अब देखिए अब हमने सक्सेसफुली 2 ट्रेवर्सल कर लिए, फर्स्ट ट्रेवर्सल ऑन सेकंड ट्रेवर्सल ठीक है, एक है गया लेफ्ट राइट, एक है राइट टू लेफ्ट फाइन। अब जब मैं सक्सेसफुली कर चुका हूँ ट्रेवर्सल अपना, तो अब हम देखिए मेरे पास 2 और है, एक मेरा हो गया यहाँ पर लेफ्ट एरे, तो इसमें मेरा क्या है 1 1 2, ये मेरा राइट ट्रेवर्सल का ये मेरा हुआ लेफ्ट, ये मेरा हुआ राइट टू लेफ्ट और ये मेरा हुआ लेफ्ट टू राइट ठीक है, 2 ट्रेवर्सल यहाँ पर हो गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना, हम लोग आंसर निकालना, तो अब क्या करेंगे एक बार एक फिर से एक लूप ट्रैवर्स करेंगे, ये दोनों को जो जो मैक्स होगा उसको मैं हम लोग एक वेरिएबल में ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ देखते रहे देख चुके हैं देख चुके हो देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैं एक रिजल्ट आ रहा है, ये फास्ट है, इसमें कर्ली ब्रैकेट में डाल रहा हूँ ठीक है, और यहाँ पे मैं एक लूप ट्रैवर्स कर रहा हूँ इस दोनों दोनों पर ठीक है। अब जो दोनों में मैक्सिमम है, अब देखिए इसका इसका मैक्स क्या है 2 2 ले लिया हूँ, इसका इसका मैक्स क्या है 1, तो 1 ऐड कर दिया हूँ, इसका इसका मैक्स क्या है 2 2 ऐड कर दिया, देखिए इसका आंसर कितना गया 5 हो गया। दो रेटिंग अगर किसी दो चिल्ड्रन का सेम है तो कंप्लीट ना होने के लिए मैं एक का कम कर, मतलब अगर ऑब्वियसली जो कॉम्बिनेशन ऑफ जो कैंडिडेट को एलोकेट करेंगे अमाउंट रिटर्न वो 1 इन 2 को होगा, तो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट मुझे रिटर्न करना, तो अगर 2 चिल्ड्रन का अगर रेटिंग सेम है तो अगर एक में दो सपोज एक एग्जांपल इसको थोड़ा ना एक बार समझ लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। सपोज कि अगर आपके पास चिल्ड्रन है 1 एंड 1 कॉमा 2 2 ठीक है, इस केस में तो यहाँ पर देखिए 2 चिल्ड्रन अगर मैं बात करूँ तो इसका रेटिंग क्या है कम है इससे, तो अगर इसका 1 है तो इसका ऑब्वियसली 2 होगा, ऑब्वियसली 2 होगा ठीक है, ऑब्वियसली 2 होगा। अगर अब इसका बात करें तो अगर मैं इसका भी 2 देता हूँ तो हमें टोटल 5 कैंडिडेट मुझे रिटर्न करना पड़ेगा जो कि मैक्सिमम है, अगर दोनों सेम है तो कोई भी यहाँ पर कंफ्लिक्ट हो ही नहीं रहा, तो मैं सिंपली मैं इसका 1 असाइन करता हूँ क्योंकि हर एक चिल्ड्रन तो एक कैंडिडेट लेगा ही लेगा, तो अभी हमें क्या हो गया 4, इससे तो कम ही है रिटर्न करता हूँ। ये चीज समझो ग्रिडी के टर्म में सोच रहे हैं, ग्रिडी के टर्म्स में, तो अगर आपको ग्रीडी पे वीडियो चाहिए तो हम लोग वीडियो बना देंगे, आप कमेंट पे जाके नीड लिख दीजिए बस ठीक है। और स्टिल यू आर हैविंग द एनी क्वायरी एंड प्रॉब्लम ऑफ दिस क्वेश्चन, तो फील फ्री टू राइट योर क्वायरी इन द कमेंट सेक्शन, हम लोग जाके आपको क्वायरी पक्का सॉल्व करेंगे ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट ओके, वी आर सेम हियर ओके। नाउ अभी हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं टाइम कंप्लीशन और स्पेस कंप्लीशन, उससे पहले हम क्या करते हैं इस कोड को चल और वहां हम उस कोड को रन करते हैं लाइव का, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बस ऐसे बोल रहे हैं या ऐसे हम बस ऐसे फेंक रहे हैं कि ये एक्सेप्टेड है ये नहीं कि नहीं है, तो अब हम लोग चलते हैं लीड प्रोट आईडी पर और हम लोग वहां एक बार इसको ड्राइव करते हैं, मतलब सिंपली हम लोग वहां पर रन करते हैं इस कोड को ठीक है, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट है कोड
लाइव रन करवाना एंड उसको एक्सेप्ट ऑन लीडकोड पर, ये अपने लिए एक स्मॉल अचीवमेंट है, ठीक है? क्योंकि इंटरव्यू में आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको आपको एक कोड देगा, आपको उसको कोड तो आपको समझाना है, उसको आइडिया भी बताना है कि हम पहले ब्रूट फोर्स सोच रहे हैं, फिर आपको नैप जाना है, तो आप मतलब ब्रूट फोर्स नैप दोनों सेम ही है, मतलब ब्रूट फोर्स आपको ऑप्टिमाइज करना है, कोड को ऑप्टिमाइज तक जाना है, तो वो चीज भी वहां तक आपको फेस करना पड़ता है, ठीक है? सो डोंट वरी. ओके तो हम लोग पहले बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, फुल स्क्रीन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबिलिटी हो. एंड ओके अब हम लोग पहले इसको क्या करते हैं, अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है? अब हम लोग देख रहे हैं पूरा, मैं कमेंट आउट करके लिख चुका हूँ, ठीक है? और इस क्वेश्चन को मैं आल्सो लीडकोड पे डिस्कशन सेक्शन में डाल चुका हूँ, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं. नाउ लेट्स रन दिस कोड एंड नाउ लेट्स सी दैट इट गॉट एक्सेप्टेड और नॉट, मींस इट्स पासिंग द ऑल टेस्ट केसेस यस और नॉट. सो यू एज यू कैन सी दैट हियर इट्स पासिंग ऑल द टेस्ट केसेस, या यू कैन सी हियर 102 जिसका 5 एंड 5, अब एग्जांपल में 5 5 देख सकते हैं, ठीक है? अगर मैं इसको सिस्टम केस नंबर 2 पर अगर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि केस नंबर 2 का 4 था, यहाँ पे 4 आ गया. अब सबमिट करते हैं, देखते हैं इट गॉट एक्सेप्टेड ऑन लीड कोड यस और नॉट. अगर इट गॉट एक्सेप्टेड देन फाइन, हम लोग देखेंगे या वी हैव वन दिस कोड. ओके अप्रोच. ओके नाउ यू कैन सी हियर इट गॉट एक्सेप्टेड ऑन लीड कोड. ओके आप देख सकते हैं टाइम जो लिया है 30 मिलीसेकंड लिया हुआ है, मेमोरी मेमोरी जो लिया वो 18 MB लिया हुआ है और एक्सेप्टेड हो चुका है, ठीक है? अब हम लोग इसका थोड़ा टीसीओ समझ लेते हैं और एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इंटरव्यू में बिना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ये कोड आप भले ही आप ऑल्दो आप कोड लिख चुके हो पर बिना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप एक्सप्लेन किए इंटरव्यू में आप बच नहीं सकते हैं, ठीक है? ओके सो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको थोड़ा टीसी पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? दैट इज वेरी वेरी गुड. ओके नाउ लेट्स डिस्कस अ लिटिल बिट टीसी पार्ट ऑफ दिस कोड व्हिच वी रोट हियर. ओके ओके सो नाउ यू कैन सी हियर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला जो हम लोग यहाँ पर पहला देख रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हम लोग क्या पहला टीसी है, टीसी दैट इज स्टैंड फॉर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो यहाँ पहले पहला मेरा क्या फर्स्ट एवर्स राइट, तो अब यहाँ जो फर्स्ट एवर्स हुआ किस पर अपडेटिंग एरे पे लगा रहे हैं, ठीक है? तो कितना हो गया बिगो ऑफ फाइन. अगर आप देखें तो आप यहाँ पे एक ट्रेवर्सल लगा रहे हैं तो यहाँ पे बिगो पेन हो गया, ठीक है? और आप एक ट्रेवर्सल यहाँ पे भी लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा बिगो पेन हो गया. तो अगर मैं तुरंत तीनों एन को अगर मैं ऐड करूं तो कितना हो गया बिगो ऑफ 3 N, जो अल्टीमेट कितना हो गया बिगो ऑफ एन. तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया यहाँ पर बिगो ऑफ एन, ठीक है? अगर मैं बात करूँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का तो स्पेस में आपके यहाँ पर लग रहा है क्योंकि हम यहाँ पर दो एरे डिक्लेयर कर रखा हूँ ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट एरे एंड राइट एरे, तो यहाँ पर स्पेस आपका लग रहा है जो कि आपका नंबर ऑफ चिल्ड्रन ही हो, जितना आपका चिल्ड्रन हो उतना आपका स्पेस लग रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ देखे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितना हो रहा है बिगो ऑफ एन प्लस एन, क्योंकि यहाँ पर दो एरे ले रहे हैं ना, तो बिगो ऑफ 2 N हो गया राइट, तो अल्टीमेटली हो गया बिगो ऑफ एन, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर अगर मैं बात करूं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, तो जो आपका टीसी है वो आपका टीसी हो कितना हो गया बिगो ऑफ एन हो गया, एंड आपका जो एसी हो गया वो कितना हो गया बिगो ऑफ एन. दिस इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. अब हम लोग बात किए थे वीडियो में कि क्या हम लोग इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ब्रूट फोर्स टू ऑप्टिमम, या यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट. तो आई एम गिविंग यू टू यू एज ए होमवर्क, आप इसको काम करिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर आपका बिगो ऑफ एन ही रहेगा, बट इसका स्पेज होगा बिगो ऑफ 1 में हो सकता है. आप इसको बिगो ऑफ 1 में ट्राई करिए कन्वर्ट करने के लिए, अगर ना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि भैया आप बनाइए, तो मैं पक्का वीडियो बनाऊंगा बिगो ऑफ एन स्पेस कंप्लीट में, आप खुद ट्राई करिए. ओके सो अल्टीमेटली हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग यहाँ पर अप्रोच देख लिया जो कि हमको यहाँ पे हम लोग क्या था ग्रेडी लगाए थे, ग्रेडी अप्रोच था, ठीक है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम डिस्कस कर चुके हैं और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर चुके हैं. अब आप देख चुके हैं कि बहुत ही इजी लेवल क्वेश्चन था, बस सिंपल यूजिंग टू वेक्टर, ओके एक लेफ्ट एयर एक राइट एयर, टू टू ट्रेवर्सल किए एंड मैच फाइंड कर लिए एंड आंसर में एडअप करते करते गए हम लोग अपना आंसर पा चुके थे, मतलब गेट कर चुके थे राइट. तो ये अब हार्ड लेवल कड़ा नहीं होगा, अगर हार्ड नहीं रहा हो तो आप कमेंट में बोलिए भैया ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था. ओके ओके सो एंड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड थैंक यू सो मच गाइज वंस अगेन, आप लोग वीडियो के एंड तक देखें, आई होप मैं ऐसा कर रहा हूँ. और अगर अभी फिर भी आपको डाउट है कोई भी क्वेश्चन आपको ब्रेन में चल रहा है, अगर अभी भी आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो को रीवॉच करिए आपको पक्का हो जाएगा. स्टिल प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको सेपरेटली आंसर दूंगा, ठीक है? अच्छे से आंसर दूंगा, आपका डाउट क्लियर करूंगा. सो अगर एंड प्लीज गाइज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने कॉलेजेस में शेयर करिए ताकि बहुत ज्यादा लोगों की वीडियो हेल्प कर सके, क्योंकि सभी को प्लेसमेंट चाहिए, जॉब चाहिए, आईटी सेक्टर में काम करना, पेरेंट्स सपोर्ट करना, तो हेल्पफुल होगा. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस एंड प्लीज